भाई ने है और आजीवन रहेंगे। आपने इतनी टिप्पणियां की मेरे ऊपर, मैंने कभी आपको कुछ भी नहीं बोला। ना बात सही है, मैंने जितना बार बोला है ये लड़की एक जवाब नहीं दी है। और जो भी लोग आपको भड़का रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, कभी अनुपमा से आके मिलिएगा, आप कभी अपने आप को अनजान नहीं पाइएगा। नहीं है, अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, धनंजय शर्मा भी सब कुछ सच्चाई बता दिए हैं। और हम ये सोचते हैं कि आप मुखिया हैं तो वहाँ पे टाइम कब देते हैं, अब तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। जी एक मिनट, धनंजय शर्मा भैया हमारे एक कॉल पे यहाँ तक पहुँचने बहुत बहुत स्वागत। गोरखपुर से गायत्री यादव यहाँ तक पहुँचने, गाजीपुर के हैं, ओह सॉरी उत्तर प्रदेश, सॉरी मैटर खत्म हो गई बात, हमने के दोस्त बन गई बन, जब दुश्मनी जब रहे तो खत्म हो गई, को मिस्टर एंटरटेनिंग रहे हम ऑन कैमरा की बात बोलते नहीं कि अनुपमा के सारे को अंडरस्टैंडिंग रहे और शायद वो गलतफहमी के शिकार हम हूं रही हम हो के रही अहो भाग्य धनंजय शर्मा भैया के जकरा पहल पे गलतफहमी दूर भई। हम धनंजय शर्मा भैया से वादा भी किले रही कि अगर यह मैटर में धनंजय शर्मा भैया आप पहल कर दिए हैं तो अब आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अनुपमा यादव जी से माफी मांग लूंगा। आकाश वो शख्सियत है जो सरयाम बोल सकता है, तो सरयाम आकर के गर्दन झुका करके माफी भी मांग सकता है। अगर अपनी गलती हो तो, अपनी गलती हो तो गर्दन झुकाना जानते हैं, और गलती नहीं हो तो गर्दन सर से धर अलग करके लाना भी जानते हैं। ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। और हमारे बहन एक बार बहन से भी मुलाकात भइल बा, जकरा साथे बचपन में हम बड़ी लुका छिपी खेलले बानी। आज कितना दिन के बाद मुलाकात होता तो बुझाता कि फिर से बचपन ताजा हो गए। हमारे अनिल भैया हम निवेदन करब के मंच पे आ जी जरा सा। अनिल भैया आप जरा सा मंच पर आइए, स्वागत अभिनंदन के साथ मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आइए। और द्वितीया पुरस्कार भेटल बहुत बहुत अभिनंदन बा, प्रणाम निवेदन रही, लेकिन हम चाहे कि आज पुरस्कार तो लोग हमरा के मत दे जा, हम बहन लोग से पैसा लेबे ना करीला, हम बहन लोग से खाली आशीर्वाद लीला। आज तुहें लोग के आशीर्वाद बा कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में जेकरा के टीवी पर आदमी देखे ले ओकरा साथे आप तार आकाश खाना खा ले ओकरा साथे उठक बैठक कर ले आ 163 गो मुखिया के अपना जेबी में लेके घूमी ला। आउ लोग एगो मुखिया बन जात होई त अपना पंचायत में अनुपमा जी, मैंने ये बात ऑन कैमरा कह भी दिया है कि मैंने अगर मिस अंडरस्टैंडिंग के तहत अनुपमा यादव के बारे में कुछ बोला है तो मैं ऑन कैमरा अनुपमा यादव से माफी भी मांगने का हिम्मत रखता हूं। और ये हमारी बहन है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे एंकर आकाश बाबा को अनुपमा यादव भाई बोलती हैं, भैया बोलती हैं, और हम अपनी बहन से अगर भाई बोली है तो भाई को माफ भी करेंगी। तो गलत कामी था, मैं धनंजय शर्मा भैया को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने उस गलत कामी को दूर किया। और मैं वादा करता हूँ कि आपके समक्ष अगर आकाश कुछ बोला है तो दूसरा कोई अगर बोलने का हिम्मत भी नहीं रखेगा, आकाश उसका गर्दन उड़ाना रखने का हिम्मत रखता है। दिल से धन्यवाद है, और आपके तरक्की के लिए माता रानी थावे वाली से आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे। हर हर महादेव। भोजपुरी की एक ऐसी शख्सियत जो हम सबों के बीच में वीडियो कॉल पे है, मैं चाहता हूँ लाइट वाइट अनुपमा यादव जी एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। बुलवाता हूँ अनुपमा के लिए, एक बार मैं चाहता हूँ अनुपमा जी कुछ बोलिए दो लाइन। हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। और हमने भी ये बात को फील कर लिया है, और ये भरोसा रखिए ऑन कैमरा ये जितने यूट्यूब के भाई लगे हुए हैं मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जरूर चढ़ाइएगा। आप लोग आपसे प्रार्थना है मेरी कि आप लोग इस वीडियो को जरूर चढ़ाइएगा कि अनुपमा के साथ मिस अंडरस्टैंडिंग थी। आकाश बाबा अनुपमा जी एक लाइन कुछ गा दीजिए ना आज आज अनुपमा हमारे लिए आप गा दीजिए हमारे भगना का। आप दो दो लाख में जाती है कब वो फ्री में गाती रहूंगा वो गाना गा दीजिए, पता है कौन सा कोड दीजिए ना भैया। लेकिन मेरा स्किल बहुत ऊंचा हो जाएगा, वो लगाना सुना दीजिएगा, स्किल मत दीजिए। कि दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, एक बार ताली आप लोग बजा दीजिए नीचे से, एक बार ताली बजा दीजिए। भरोसा नहीं दुश्मनी की तो क्या
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी लाइव से जुड़ने के लिए, लव यू, दिल से धन्यवाद। आइए गायत्री ठाकुर जी, हमारे मामा के लड़का और जो बचपन में हमारा के बड़ा प्यार दुलार दिले रहा अनिल भैया उपस्थित बड़े, हम चाहम के गायत्री हमने के सब कोई एजा अपना बहिन घर आइल बन जा, लेकिन तहरा के हम संजय मिश्रा के बहिन बना देले बने, तू संजय मिश्रा के घर आइल बन अपन भाई घर आइल बन। अनिल भैया गायत्री यादव के आज भर खातिर हमने के संजय जी जाके बहिन बने दीदी, आई बात वादा कर ले रही नो, और गायत्री जी एक रिक्वेस्ट बा कि एक बार तू हो भैया कहिए दो ना तो दोसर मिजाज से देखे लगी। माने काहे भैया कहत है, मतलब जबरदस्ती है क्या हमारे जीजा जी, हम काहे भैया कहे कि चाहे कहिला हम के लोफर, चाहे कहिला तू आवारा तकलीफ नइखे कि बाकी भैया कहबू हमारा के तो ठीक नइखे। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है। अच्छा जरूर, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। क्या बात है, एक गाने का एक लाइन फरमाइश है कि कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ आप बोले। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे दे दीजिए कि तू सामने बैठा, हम तो खड़ा बने पर बैठो कहाँ बने, हम देखत रह जाती। एक मिनट स्केल ले लीजिए पहले, और ये जो पप्पू भैया और बिरबल भैया की टीम है इसकी मतलब क्या ही बात की जाए, हम इन लोगों के साथ बहुत बार कार्यक्रम किए हैं और इतना कोऑपरेटिव हैं ये लोग, इतना बढ़िया बजाते हैं कि मजा आ जाता है।